एशिया कप और पाकिस्तान सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम वैसे तो आज अनाउंस हुई एशिया कप के लिए, मगर चौथे पासवर्ड का इशू क्या है कि पहले तो शहीन वसीम और हारिस को हैं, मगर फोर्थ पासवर्ड कौन सा हो, कोई आसान का नाम लेगा कि हसन अली का, कोई जमान खान का भी, आपकी क्या सजेशन है कि किसको लेना चाहिए? देखिए वाइट बॉल में आई स्टिल बिलीव कि जो स्किल जमान खान के पास, अभी भी हम कनाडा में खेल के आए हैं, तो डेथ ओवर में उससे अच्छा बॉलर मेरा ख्याल दुनिया में कोई नहीं है। तो जो आपको चीज़ चाहिए वो नसीम से मैं उसको ज़्यादा रेट करता हूँ इन वाइट बॉल। तो आपके तीन बॉलर, ये आप कहेंगे या आपके कलंदर के बॉलर गिनाए जा रहे हैं, शहीन है, हारिस है और जमान है, ये आपके बॉलर होने चाहिए आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में फर्स्ट थ्री चॉइसेस, एंड देन यू कैन गो डाउन टू नसीम शाह, हसन अली आई डोंट थिंक सो। आपको यू नो एक ऑलराउंडर की तरफ जाना चाहिए, वो अभी तक फहीम की भी ऐसी प्रोग्रेस अभी भी मेरे साथ था उधर कोई नहीं है, तो जो फोकस होना चाहिए वो है ऑलराउंडर तलाश करना। अगर आपके पास ऑलराउंडर नहीं होगा तो यू विल स्ट्रगल। कलंदर कर रहा है सलमान अली, आगा नहीं किया यकीनन। जितनी पाकिस्तान टीम बैलेंस्ड है और उसके पास ऑप्शंस हैं और जो प्लेयर्स हैं उनकी जो एज का जो ग्राफ है वो बहुत बेहतर है, इंडिया उस स्टेज के ऊपर है कि अब वो नाम उनके बड़े बड़े हैं लेकिन उनकी फिटनेस और फॉर्म उस तरह से नहीं आती, तो अब इंडिया को स्ट्रगल इंडिया करेगा, फिर नए लोग तलाश करेगा, फिर एक टीम बनेगी। इस दफ़ा बहुत पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है कि इंडिया को इंडिया में हरा के आए। ट्रॉफी आ गई ना देखिए अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आपको ये जो तीन नाम है, मिसबा है, जमाम है, हफीज है, इनके अलावा आपसे मैं पूछूं ना तीन नाम तो आपको आएंगे नहीं अच्छा बता दे मुझे, क्योंकि देखिए बात सिर्फ इतनी है कि ये जब तक हम एक चीज़ नहीं सीखेंगे, ठीक है जैसे गवर्नमेंट बदलती है तो चेयरमैन बदल जाता है, बट आपका जो सिस्टम है वो नहीं बदलना चाहिए। जो ये खराबी हो रही है कि कभी हम 16 रीजन कर देते हैं, डिपार्टमेंट आ जाते हैं, कभी जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है वो रमीज राजा ने आके किया कि जो टीमें 6 कर दी और उनमें हर सीज़न में कोई नया प्लेयर ही नहीं आता था, प्लेयर ही नहीं आ सकता तो ग्रूम कैसे होगा। ये 24 करोड़ के जो लोग हैं इनकी एक स्पोर्ट है और उसके लिए आपकी 16 रीजन ज़्यादा नहीं है, और आपकी डिपार्टमेंट जो है आप बच्चों से पूछिए ना जाके वो कितने खुश हैं, वो जो कोचेज़ बेचारे पता नहीं टैक्सियां चला रहे थे, आप वो दोबारा आएंगे अपना काम करेंगे। ये हाई परफॉर्मेंस जो है इनका ये फिर से एनसीए बन गया, क्योंकि वो कलंदर हाई परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने एनसीए का नाम हाई परफॉर्मेंस बना दिया था। तो नाम से कुछ नहीं हो सकता, ये डेवलपमेंट एक पैशन है, ये आप नौकरी किसी को देके ये काम नहीं करा सकते। लेकिन आके भाई एक चीज़ और है कि आपने जो सवाल किया, देखें पाकिस्तान में रहते हुए आके भाई ने आपको शहीन, हारिस, फ़खर, जमान, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा के, उसामा मीर, एहसान भुट्टा, ये कितने सारे प्लेयर उन्होंने यहाँ पर रह के आपको दिए, तो ये तो एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन जो है वो आके भाई और कलंदर्स के साथ जो है वो कोलेबरेट कर रही है टू डेवलप देयर क्रिकेट। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में ऑलरेडी आके भाई ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया और अभी भी कर रहे हैं, पाइपलाइन में जो भी हम बात कर रहे थे ताहिर बेग की और दूसरे जो हमारे मलिंगा स्टाइल बॉलर है वो भी आके भाई ने अभी जो है वो सिलेक्ट हुआ है, वो नहीं, वो ताहिर बेग जो एशियन गेम्स में पाकिस्तान की टीम, हाँ तो उसमें सिलेक्ट हुआ, तो इवेंचुअली तो उन्होंने पाकिस्तान को इन द एंड सर्व करना है। शाहीन शाह अफरीदी नहीं किया, वही राणा साहब का सवाल आया। और उनका सिस्टम और लाहौर कलंदर का सिस्टम कैसा देखा?
इधर आ जाओ। देखिए उस सिस्टम का कंपैरिजन तो मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए, वो एक बहुत पुरानी और डिफरेंट एक उनका स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ जो लाहौर क्लैंडर्स वाला है और हाई परफॉर्मेंस सेंटर वाला है, ये अनअर्थ करना है उस टैलेंट को जो कि आम नज़र नहीं आता और किसी सिस्टम में नहीं है। सो देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ सिस्टम्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसी तरह हम भी उनको नर्चर करते हैं जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपॉर्चुनिटीज़ उनको देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो जाके फिर पाकिस्तान टीम से ही खेलते हैं। ये सेम उनके व्यूज थे जब T20 क्रिकेट आई थी। कोई क्रिकेट आपको ख़राब कैसे कर सकती है? ये जिस तरह से आपकी क्रिकेट है, क्रिकेट को जब आप बाहर कहते हैं ना वर्ल्ड कप विनर, तो बाकी स्पोर्ट्स वाले हंसते हैं, वही 6 टीमें 8 टीमों का तो हमारा वर्ल्ड कप होता है। तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जैसे ही देखें T20 आई, उसकी ऑडियंस बढ़ी, उसका प्लेयर्स नए नए प्लेयर्स उस फॉर्मेट में आए। इसी तरह से जैसे T10 है, इसको देखने के लिए हर बंदे के पास टाइम है। वो जो फुटबॉल के लोग हैं, जो शॉर्ट टाइम की जो स्पोर्ट्स है, वो इसकी तरफ आ रहे हैं। तो आपको उससे क्या मिलेगा? और चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक डॉट बॉल, दो डॉट बॉल यू कान अफोर्ड। तो इसमें आपको बड़ी टफ क्रिकेट है, और आपको नए प्लेयर्स मिलेंगे, नए ऑडियंस मिलेगी, तो इसमें ख़राबी मुझे तो कोई नज़र नहीं आती। देखिए अगर इसको आप इस सवाल को थोड़ा सा मैं भी जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आप पूरा टेस्ट मैच भी देखते हैं, उसमें भी ऐसे सिनारियोज आते हैं जहाँ पर आपको 10 ओवर की तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ती है। इसी तरह जब वनडे, जब T20 नहीं था तो वनडे जो था वो बहुत स्लो था, लेकिन उसमें भी ऐसे सिनारियोज आते हैं जहाँ पे के प्लेयर्स को गेम चेंज करनी पड़ती है, अपने गेयर्स चेंज करने पड़ते हैं। और मेरा ख्याल है कि T10 भी जो है वो एक ऐसा फॉर्मेट है कि ये आपको हेल्प करेगा T20 में भी, वनडे क्रिकेट में भी, इवन इंटरनेशनल क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में भी आपको प्लेयर्स मिलेंगे इसके साथ बहुत ज़्यादा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। देखिए वुमेंस का हमारा अभी एक वीक के बाद हमारी उसकी MOU साइनिंग है। हमने सारे उनके ट्रायल्स लिए हुए हैं। अभी भी जो लाहौर में है, जो आ सकती हैं, वो वहाँ पे हमारे वुमेंस भी, लड़कियाँ भी प्रैक्टिस पे आती हैं, प्रोग्राम का हिस्सा है। और फिर अभी एक दो वीक के अंदर आप देखेंगे कि उनको भी वही सेम जो क्लास ऑफ 23 को लड़कों को एक साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ, इसी तरह लड़कियों का भी करेंगे। और जिम्बाब्वे की वुमेन टीम भी हमारे पास आ रही है, क्योंकि उन्होंने फिर वहाँ श्रीलंका खेलने जाना है। मैं आपको बताऊं कि इसमें हमने ट्रायल लिए थे, हम जो इसमें जो मिसिंग पार्ट है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, हमने ट्रायल भी ले लिए, शॉर्टलिस्ट भी कर ली, आगे उनका फ्यूचर क्या है। तो उसके लिए जो अभी हमारे नए चेयरमैन आए हैं, उनका जो विजन है वुमेन को लेके, उससे हम काफ़ी इंप्रेस हुए, और हमारी कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके ये जो फर्स्ट एडिशन होगा वुमेन प्लेयर डेवलपमेंट का, वो उसको आने वाले दिनों में इनॉग्रेट करें। थैंक यू।